पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। सरकार कुछ तो शर्म करो, आई कहां से आई, भाजपा लाई, भाजपा लाई। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया और कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता को घर चलाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा की सरकार कर रही है, देखिए बड़ा निंदनीय है, बड़ा दुखद है। ये लोग बोलते हैं कि हमने 25 किलो की आटे की थैली पे नहीं लगाया, पर हमने 5 और 10 किलो की आटे की थैली पे लगाया है। तो ये देखिए, ये अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि हम अमीरों के फेवर में काम करेंगे, गरीबों के हित में कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, कौन सा गरीब आदमी है जो 25 किलो का या इससे बड़ा कट्टा आटा का खरीदता हो। ये बोलते हैं कि दही दूध पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से महंगाई एक चरम तक इन्होंने पहुंचा दी है, ये भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियां हैं। ये भ्रष्टाचारों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महंगाई दर काफ़ी हद तक कम हुई है, महिलाओं का किराया माफ़ हुआ है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली का फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें कि करीब करीब 1000 रुपया हर परिवार का बचता है, महिलाओं माता बहनों का जो किराया कम किया उससे भी 1000 से 1200 रुपये पर मंथ के एक फैमिली के बचते हैं। जहां पानी की बात होती है वहां से भी 700 से 800 रुपये पर मंथ बच रहे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली के अंदर हुए हैं, उससे ये चीज़ होती है कि जैसे हिमाचल में आप देखते हैं कि हमें यहां पे अगर एक फैमिली में एक बच्चा है तो 5 से 6 हज़ार रुपये किसी सस्ते अगर प्राइवेट स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है तो 5 हज़ार का है, और दो बच्चे अगर एक फैमिली में तो 10 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक ईमानदार सरकार दिल्ली में आई और उन्होंने 15 से 20 हज़ार रुपये की बचत करवाई, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील करती है कि जल्दी से जल्दी खाने पीने वाली जो राशन पे ऊपर जो जिस तरीके से जीएसटी आपने बढ़ाया है उसको ख़त्म कर दें। इन्होंने तो और बच्चों की किताबों पे और कॉपियों पे भी टैक्स लगा दिया है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अगर अनपढ़ रहेगा तभी भगत बनेगा। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो इनकी जो प्लानिंग है देश को पीछे डुबाने की, ताकि इनके भक्त बने रहे और इनको वोट मिलते रहे, एक तरह से ये देश की जनता को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि समाज के अंदर एक समानता और एक समरसता है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।